फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी QR पोर्ट से। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे ना तो एक क्विक पैनल होता है, तो इसमें आपको जो वाईफाई का आइकन होता है ना, इसे उंगली से दबा के रखना है, ठीक है, ऐसे। तो वाईफाई का ये पेज आ जाएगा। इसमें देखिए आपको जो है ना नीचे आना है, पहले तो वाईफाई का बटन ऑन कर ले रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना एक ऑप्शन दिखेगा ऐड नेटवर्क, इसके सामने जो स्कैनर है इसे सिलेक्ट करना है। तो आपका ये आपके मोबाइल फोन का जो वाईफाई का जो स्कैनर है ये वाला होता है, ठीक है। तो इस अपने वाईफाई के स्कैनर से सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का QR कोड होगा ना, उसे आपको स्कैन करना है, जिससे आपके मोबाइल फोन में वाईफाई जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं QR कोड से। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सामने वाले पर्सन का जो है वाईफाई का QR कोड कहाँ पे मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा तरीका है, आपको जो है सामने वाले पर्सन के वाईफाई वाले पेज पे आना है, इसी वाले वाईफाई पेज पे, ठीक है। तो उसमें देखिए उसके फ़ोन में सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई कनेक्टेड होगा ना इस तरीके से, तो कनेक्टेड वाईफाई के सामने जो सेटिंग का आइकन है इसे टैप करना है और ये पेज आएगा। इसमें आपको शेयर का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक डाल देना है। इसके बाद राइट क्लिक करना है तो आपको सामने की तरफ ना वाईफाई का QR कोड ये नज़र आ जाएगा, सामने वाले पर्सन का वाईफाई का QR कोड, ठीक है। तो इसे आपको स्कैन करना है अपने वाईफाई के स्कैनर से, ठीक है।